2012 में रिलीज हुई ईगा हिंदी में कहें तो मक्खी। इस फिल्म को इंडिया के विजनरी डायरेक्टर एनसन्स राजामौल ने डायरेक्ट किया था, जहां सुपरस्टार किच्चा सुदीप मेन विलन के किरदार में दिखाई दिए थे। इसके साथ ही एक्ट्रेस समंता और एक्टर नैनी इस फिल्म के अंदर दिखाई दिए। एनसन्स राजामौली के डायरेक्शन पर बनने वाली फिल्म ईगा सुपर डुपर हिट साबित हुआ और कई दिनों तक बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को खूब चलाया गया। इस फिल्म ने 125 करोड़ बॉक्स ऑफिस कमाई करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया, जो 2012 में एक बहुत ही बड़ी बात थी। ये मूवी रिलीज होने के बाद पूरे इंडिया में छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े आदमियों ने भी इस फिल्म को खूब पसंद किया। साथ ही साथ इस फिल्म को कई अलग अलग भाषाओं में भी रिलीज किया गया। उसके बाद से ही इस फिल्म की सीक्वल को लेकर मांग बढ़ता गया और अब उसके 11 साल के बाद ईगा 2 को लेकर चर्चा हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म के अंदर मेगा पावर स्टार रामचरण एज ए विलन के किरदार में और फीमेल लीड कैरेक्टर में एक्ट्रेस समंथा दिखाई देने वाले हैं। खबरों की माने तो बॉलीवुड के एक बड़े सुपरस्टार इस फिल्म के अंदर दिखाई दे सकते हैं। वैसे आपका क्या ख्याल है डायरेक्टर एसएस राजामौली की ईगा 2 को लेकर? क्या आप इस फिल्म को देखना पसंद करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।